तो दोस्तों आज मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल इस वीडियो में बना करके दिखाने वाला हूँ। ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलेगा यदि आप इसको करेंगे तो, ठीक है। किस तरीके से आप बनाएंगे, ये जो बाल है ना हमारे, ये सब देख रहे हैं आप, बाल सब जो गिर रहे हैं इंसान का, ठीक है। तो इसी पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और आज मैं आपको प्रैक्टिकल बना करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप घर पे बनाएंगे। मेरे पास कढ़ाई है, साथ में गैस, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपके पास कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इस टेबल पर क्या क्या रखा है, देख सकते हैं, लहसुन है, प्याज है, साथ में ये सब कुछ पत्ते आपको दिख रहे हैं, माचिस है, कप है, तेल है, सब कुछ। मतलब मैं बना करके प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। आप घर पे आराम से इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है मेरे मित्र। तो चलिए हम बिना देरी के वही स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यार कि इस वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए और मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनेगा। मैंने पिछले कल एक मैंने वीडियोज बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने लोग चाहते हैं कि जो ये बाल गिर रहे हैं ये रोक ले, मतलब कि हम रोकने का कोई उपाय क्रिएट करें। तो मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट, काफ़ी वीडियोज़, काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद मैं एक ऐसा चीज़ तैयार करने वाला हूँ जो यदि आप इसको करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो नहीं गिरेंगे, ठीक है। और जो गिर चुके हैं हो सकता है कि उस पर भी जो बाल है आने शुरू हो जाए। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई वो नहीं है, घर पे जो मामूली चीज़ जो होती है, जो किचन का सामान, उसी से हम ये चीज़ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे पास प्याज है और ये जो है लहसुन, इसको मैं क्या करता हूँ, छील लेता हूँ और छील करके मैं इसको काट करके, और साथ में मेरे पास ये जो आप देख सकते हैं ये जो मिक्सर मशीन है, इसी में मैं डाल करके और मिक्स कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ तक तो समझिएगा कि इसको मैं काटूंगा छील के और इसको भी छील के और उस मिक्सर में डाल करके पहले मिक्स करूंगा, ठीक है। और क्या क्या मैं डालूंगा, वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये देख सकते हैं मेरे हाथों में कुछ ये सब देख रहे हैं आप, प्याज है, लहसुन है, इसको मैंने काट लिया अच्छी तरह से, इसको छील दिया है। अब मैं इस बॉक्स में डाल देता हूँ और डाल करके आप इजीली इसमें मैं इसमें बैठा देता हूँ। ये मिक्सर है आप जानते हैं, इसको ऐसे इस तरीके से इसको बैठा देते हैं, ठीक है। और फिर मैं इसको मतलब इस पर कैप लगा देता हूँ एक, ताकि ये बाहर ना गिरेगा, ठीक है। कितना प्याज, कितना लहसुन, क्या क्या डालना है मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं पहले आपको प्रैक्टिकल बनाकर दिखा दूँ, ध्यान इस कंटिन्यू रहेगा इस वीडियोज़ में ताकि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं इस मिक्सर में रख चुका हूं, अब मैं इसको लगाता हूं प्लग में, आप देख सकते हैं। बिल्कुल कंटिन्यू रहिएगा क्योंकि मैं इसमें कुछ कुछ डालने वाला हूं, ठीक है। और आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, अभी मेरे पास थोड़ा जगह कम है लेकिन फिर भी मैं इसी में ही लगाऊँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा दबा करके और इसमें आप क्या करेंगे, इसको ऐसे चालू करेंगे, ठीक है। अभी ये मिक्स हो रहा है, मिक्सर में जो है मिक्स हो रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपने देखा मैंने इसको मिक्स कर दिया, इसको मैंने मिक्स कर दिया और ये मिक्सर में रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पीसने के बाद जो है मिक्सर में कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें मैं मिलाऊंगा, जानते हैं क्या, मेरे हाथों में कुछ कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ते आप देख सकते हैं, जानते होंगे कड़ी पत्ता जो जंगल में मिल जाता है, आजकल तो यार कहीं पर भी मिल जाता है कड़ी पत्ता। जो नीम का पत्ता होता है ना, तो नीम का पत्ता तो कड़वा होता है लेकिन नीम का ही जैसे ये होता है जिसका नाम है कड़ी पत्ता, जो मीठा लगता है, मतलब मीठा पत्ता भी बोलते हैं इसको। मीठा लगता नहीं है, मैं तो खाया नहीं हूँ, बट मीठा पत्ता भी इसको बोलते हैं। मैंने इसको जा कर के लाया था एक जगह से, आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नीम के पत्ते जैसा, किसी से भी पूछेंगे ना कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता तो कोई भी बता देगा कड़ी पत्ता क्या होता है, ठीक है। यदि आप गांव से हैं तो आप तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि नीम के पत्ते जैसा होता है, उसके जो फल होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं, फल जो है वो मीठे होते हैं और इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। तो मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ और इसको मैं मिक्स करके और फिर इसको जो है पीस लेता हूँ एक बार, और पीस करके और उसके बाद से फिर मैं आगे की कार्रवाई बताता हूँ आपको।
तो दोस्तों मैंने सब कुछ ऑलरेडी पीस रखा है इसमें, और पीस करके मैं अब देखिए क्या करते हैं। ये मेरे पास कढ़ाई है, मैंने गैस पे रखा हुआ है, अब मैं इसको जला देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इसको जलाता हूँ ताकि जब तक ये जलेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जल चुका है, ठीक है, अब ये जलने लगा है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सॉरी ये बुत गया, फिर दोबारा जला देते हैं। अब मैंने इसको जला दिया है, और पहले जो है आप क्या करेंगे, इसको आँच मतलब कि जो लू है ना, लू उसको ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपको ये जो मैंने अभी मिक्स किया था इस सबको मैं इसमें गिरा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको गिरा देंगे। मैं बता दूँ इसमें प्याज है, लहसुन है, और साथ में कड़ी पत्ता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप क्या कीजिए, आराम से इसको पूरा इसको खाली कर दीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से इसको निकाल दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अच्छे से कीजिएगा। अब आप इसको क्या करना है, जो सरसों का तेल होता है, वही सरसों का तेल जो नॉर्मल हम लोग घर में खाते हैं, है ना, सरसों का तेल जो है वो आपको इसमें डालना है। और यदि आपके पास गड़ी का भी तेल है, गड़ी का तेल, तो वो दोनों आप 50-50 कर सकते हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में कितना कितना डालना है, लेकिन दोनों 50-50 आपको इसमें डालने हैं। पहले इसको मैं डाल देता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए। और जब मैं पीस रहा था ना जो उसमें, तो आप क्या कीजिएगा, 2 चम्मच उसमें सरसों का तेल भी डाल दीजिएगा मिक्सर में, ताकि वो जो है अच्छे तरीके से वो हो जाए। अब मैं इसमें तेल डाल देता हूँ, आप ये देख सकते हैं मैंने दोनों मिक्स करके रखा है इस तेल को, ठीक है। मैं सारा गिरा देता हूँ इसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आँच जो है उसको थोड़ा तेज करके, और इसको चलाता चलाते चलाना है इसको, ऐसे समझ रहे हैं आप, इसको चलाते रहिए इस तरीके से, इसको चलाते रहिए। देखिए दोस्त, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हालांकि मैं इस तरह के वीडियोस बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये हर किसी का प्रॉब्लम है यार घर में, मतलब माताएँ बहनें या फिर भाई कोई भी यार, या फिर मैं खुद क्यों, मतलब बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके बाल जो है गिर रहे हैं। और मैंने काफ़ी इस पर शोध किया, सर्च किया, कि मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाते यार जिससे कि मतलब इजीली आराम से हमारे घर में मिल जाए, और मैं या फिर कोई भी इसको लगा करके है ना बाल जो है अपना रोक सके, अच्छा सॉफ्ट बना सके। पता नहीं कितने हम कंडीशनर, शैम्पू, तेल, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, मतलब प्रतिदिन है ना पैसे खर्च होते हैं, और उससे और हमारे नुकसान लगता है, मेरे को तो लगता है कि और नुकसान ही होता है, ठीक है। तो हम एक आराम तरीके से घर पे रह करके इसको मैं बना रहा हूँ, और आप लोग भी इसको बड़े ही आराम से बनाइएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे वीडियोस में किस तरीके से ये जो है हो रहा है, इसमें झाग निकल रहा है, आप देख रहे हैं ना, झाग निकल रहा है। घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आप मिस कर जाएंगे कोई ऐसा चीज़ जो फिर अब बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप इसको कर लीजिए। देखिए इसमें कोई केमिकल मैंने यूज नहीं किया, आपके सामने है, मैंने बस लहसुन और प्याज और साथ में सरसों का तेल, गड़ी का तेल, बस मैंने यही डाला है, और गैस पे इसको मैं पका रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको बड़े आराम से पकाइएगा। अब देखिए जैसे इसमें झाग ज़्यादा हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप गैस को कम कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, एकदम धीमी आँच कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा वेट कीजिए। और बाकी इसमें और क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए कितने आराम से, कितने प्यार से ये बन रहा है, और इसको आप सोच रहे होंगे कितना देर तक रखेगा, इसको भाई थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसको आप अच्छे तरीके से पकाएंगे ना आप इसको। मैं ये चम्मच लेके क्यों चला रहा हूँ जानते हैं, क्योंकि ताकि इसमें पकड़े नहीं, वैसे तेल है पकड़ेगा तो नहीं, लेकिन ये जो चलाते रहेंगे तो ये जो आपका गर्म हो करके इसमें जो वो होते हैं वो जल जाएगा, जो बदबू है वो मिट जाएगा। हाँ हालांकि थोड़ा सा प्याज का स्मेल आएगा, ठीक है, लेकिन उससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि दवाई तो कड़वी होती है, दवाई तो मीठी होती नहीं है, कड़वी होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये रोज़ नहीं लगाते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में एक बार लगाइएगा, ठीक है। और इसके साथ और क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं इसको बना लेता हूँ अच्छे तरीके से। अब मैं वीडियो चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग सोचेंगे इसमें पता नहीं क्या और डाल दिया, इसमें कुछ मैंने डाला नहीं है, अभी जो देखें आप वही मैंने डाला है, यूज किया है ना, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन वेट कीजिए, क्योंकि ये
अब होने ही वाला है, ठीक है, आप इसको चलाते रहिए। दोस्तों जानते हैं आजकल के दुनिया में ना लोग बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ अंग्रेजी दवाई में है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर का नुकसान ही करता है, फ़ायदा तो करता है, अगर वो दवाई नहीं होता तो फिर इंसान जीवित भी नहीं होता। क्योंकि आजकल सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जल्दबाजी में काम करने वाला आजकल अंग्रेजी दवाई है, अगर वो नहीं है तो फिर इंसान पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम देसी तरीके का भी उपयोग करें, मतलब कि घर से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो मान लें कि कम पैसे में हो और घर से हो, शुद्ध हो, प्रकृति का नेचर से बना हुआ हो, मतलब कि एकदम बढ़िया हो, तो वो यार घर से ही हो सकता है और वो चीज़ काफ़ी दिनों तक फायदेमंद रहता है। पहले के लोग थे, आप जानते होंगे कि बाल उनके कितने अभी भी काले काले हैं, काफ़ी लोग मैंने देखा है जो एज हो गया 70-80 फिर भी उनके बाल एक भी गिरे नहीं और काले हैं, मस्त हैं, ठीक है। और हमारा फैशन क्या है, हमारा शौक क्या है, बाल ही तो है यार, अगर बाल नहीं है तो फिर तो सब कुछ ख़त्म है, है ना। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैंने एक ट्राई किया, मुझे लगा कि ये मुझे आपको बताना चाहिए। मैंने ये ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको फिर दोबारा बना के दिखा रहा हूँ कि अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर बता देंगे तो यार किसी न किसी को हेल्प होगा और कोई ना कोई इससे कुछ में कुछ कर सकेगा, थोड़ा सा और माइंड लगाएगा, अपना बिजनेस वाला माइंड लगाएगा कि भाई मैं और इसमें क्या कर सकता हूँ। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब एक चीज़ आप मेरे से मत कहना कि भाई मैं इसका बिजनेस कैसे करूँ, भाई मैंने इतना कुछ तो आपको बता दिया कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से बनाना है, मैंने बता तो दिया। अब बिजनेस करना चाहते हैं कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, वो अपना माइंड लगाएगा कि भाई आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि यार आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, मुझे क्या बढ़िया, मैं तो हेल्प के लिए चैनल खोला हूँ और मैं हेल्प के लिए ही वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि किसी का मदद हो सके, ठीक है। अब ये देखिए मैं बात करते करते काफ़ी देर हो गए और ये जो है अच्छी तरीके से पक चुका है, है ना। लेकिन कम से कम आप इसको रखिएगा 20 मिनट, ठीक है। मैं 20 मिनट मैं कट करता हूँ क्योंकि ये वीडियो और बहुत लंबी हो जाएगी, मैं 20 मिनट यदि बात करता रहा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप 20 मिनट तक इसको ऐसे पकाइएगा और पका करके मैं फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये सब कुछ रेडी हो चुका है और मैं इसको उठा करके रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैंने छोड़ दिया था काफ़ी देर ठंडा होने के लिए, फिर भी ये गर्म है और वीडियोस बनाना ज़रूरी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा चला देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि ये जो है अच्छे तरीके से फिट हो गया है, कुछ ठंडा भी हो गया लेकिन गर्म है अभी थोड़ा थोड़ा, है ना। आप इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा, पूरा 1 घंटा 2 घंटा जितना देर में ये ठंडा हो, ठीक है। अब इसको क्या करना है दोस्त, बता रहा हूँ आपको, अब इसको क्या करना है, जैसे कि मैं इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, इस पर एक मैं कपड़ा लेता हूँ, ठीक है, और इसी कपड़े पे इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ, है ना। अब इसको क्या करना है कि इसको इस तरीके से आप इसको मोड़ लीजिए और इसको गाड़िए, इसमें निकालिए तेल को, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से ये गिर रहा है, इसमें देख रहे हैं, पूरा इसको निचोड़ लीजिए जितना निचोड़ सके, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से निचोड़ करके, मतलब छान लीजिए, और छान करके आप इसको जो है अभी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, पूरा इसको गाड़ दीजिए, है ना, और गाड़ करके आप इसको इधर रख दीजिए। अब देखिए ये जो तेल है, आप मैं स्क्रीन के पास लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वालिटी का और सुंदर, मतलब कि ये तेल बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं, तो दोस्त ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन चुका है। मैं इसको अपने हाथों पर थोड़ा लगा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्या यार, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन चमक आ रही है ना, खुशबू भी आ रही है। अब इसको देखिए, थोड़ा सा स्मेल प्याज का आएगा, बट उससे कोई भी नहीं है यार, दवाई है, दवाई तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हफ्ते में एक बार या दो बार लगा सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ यार कि आप इसको लगाने के बाद ना आपके जो बाल गिरते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बाल गिरना बंद हो जाएगा, अभी जितना है उतना रुक जाएगा और बाल गिरेगा नहीं, और हो सकता है कि जो जगह खाली हो चुका है उस पर भी बाल आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ
कि इसमें इसको बनाने वक्त सावधानियां क्या क्या रखनी है। आप इसको जब बनाइएगा मतलब घर पे, तो मतलब कि हाथ जगह जगह इधर उधर मत कीजिएगा, जो मतलब कि गंदे हाथ इसमें मत डालिए, क्योंकि ये लगाने वाली चीज़ है, खाना पीने वाली चीज़ नहीं है, आप डरिएगा मत, लगाना ही है। और क्या करना है इसमें, कोई वो थोड़ी ना मैंने डाला है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका बिजनेस यदि आपको करना होगा तो पहले आप अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि क्या आपके मतलब विश्वास के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तो आपका इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे पे यदि है तो है, नहीं तो आप खुद प्रैक्टिकल इसको कीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, यदि आपके बाल रुक रहे हैं, फायदा कर रहा है, तो आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाइएगा साइंटिस्ट वाला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से इसका मैं बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला और कितने कितने डाला है, अब एक बार कन्फर्म हो जाइए, क्योंकि मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, एक प्याज दिखा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से जितना चाहे कर सकते हैं, एक प्याज, एक लहसुन, ठीक है, उसके बाद से 50 ग्राम तेल, और जो कड़ी पत्ता जो था, मतलब नीम के जैसा, मीठा नीम बोलते हैं जिसको, वो कड़ी पत्ता है, उस कड़ी पत्ते को मैंने डाला, समझ लीजिए 20-25 पत्ते होंगे, ठीक है। एक प्याज, एक लहसुन, 50 ग्राम तेल, आप 50-50 कर सकते हैं, जैसे 25 ग्राम सरसों का तेल हो गया और 25 ग्राम नारियल का तेल हो गया, गड़ी का तेल, नारियल का तेल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ मतलब 50-50 भी डाल सकते हैं, मतलब 50 ग्राम ही डालने हैं, एक एक में 50 ग्राम ही डालने हैं, और साथ में 20-25 कड़ी पत्ते डालने हैं, ठीक है। और डाल करके मैंने जिस तरीके से बनाया, आप बना करके आराम से अपने बालों में लगा सकते हैं, है ना। और मैं जो अगली वीडियोस बनाऊंगा, यदि आप शैम्पू लगाते हैं जो मार्केट का, या फिर इधर कोई भी शैम्पू लगाते हैं जो केमिकल वाले होते हैं, है ना, उसके जगह पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो यदि आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका बिजनेस आपको किस तरीके से करना है आप खुद ही सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं तो इसमें कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है ना। एक स्मॉल बिजनेस आइडिया है, न्यू बिजनेस आइडिया है, ठीक है, बेस्ट मतलब कि है, सबसे बेस्ट है, कम पैसे से आप मतलब मामूली पैसे से आप इसको बना करके और बेच सकते हैं, ठीक है। और इसका एक खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, अगर लोगों को फायदा करेगा तो बहुत अच्छा नाम भी होगा आपका, ठीक है। और डरिएगा मत कि आपके बाल वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप अपने आप भी ट्राई कीजिएगा, दूसरों को देने से पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा माइंड लगाया और माइंड लगा कर ये चीज़ बनाया है। और यदि आपको चाहे मतलब चाहें तो आप भी बना सकते हैं, और बना करके एक्सपेरिमेंट करके तब इसका बिजनेस कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।